नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाउ में। वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्रवेश लाल यादव की आने वाली भोजपुरी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है बनारसी बाबू। अब दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो रिलीज किया जा चुका है बी फॉर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम इसी भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेलर को देखने के बाद इस भोजपुरी फिल्म की कहानी क्या समझ में आती है, कहानी एक्साइटिंग है या फिर नहीं है, कहानी में दम है या फिर नहीं है। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पर बात होगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक दे दें। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस भोजपुरी फिल्म की जो कहानी है वो काफ़ी सिंपल रखी गई है। बनारस का एक लड़का है जिसका किरदार निभा रहे हैं हमारे प्रवेश लाल यादव। इस किरदार का नाम है मुन्ना तिवारी, जो कि काफ़ी अमीर होने के सपने देखता है। उसके माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो अमीर तो बने, पर वो कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता, तो कैसे वो अमीर बन जाएगा। इस सोच में उसके जो माता पिता है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, पर उनकी माँ को, यानी कि मुन्ना तिवारी की माँ जो है, उसे पूरा भरोसा है कि उसका जो बेटा है वो एक दिन उसका जो नाम है वो करेगा। जिसकी शुरुआत दोस्तों कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। मुन्ना तिवारी को एक ट्रैवल एजेंसी जो है वो हायर करती है बतौर ड्राइवर। इनका काम ये होता है कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें बनारस की कहानियाँ सुनाना, बनारस पूरी अच्छे तरीके से घुमाना। और तभी दोस्तों मुन्ना तिवारी की मुलाकात होती है सोनालिका प्रसाद के किरदार से। और आपको पहले बता दें कि यहाँ पर इस फिल्म में मुन्ना तिवारी की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है, जिनका किरदार निभा रही है मनीषा यादव। तो होता यह है दोस्तों कि जब मुलाकात होती है मुन्ना तिवारी की सोनालिका प्रसाद के किरदार से, तो सोनालिका प्रसाद जो होती हैं उन्हें बनारस के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो किस तरीके से जो मुन्ना तिवारी है वो बनारस के बारे में सोनालिका प्रसाद के किरदार को अच्छे तरीके से कहानियां बताता है गा गा कर दोस्तों, जिससे कि उनकी फ़ैन हो जाती हैं सोनालिका प्रसाद का किरदार। और उसके बाद वो उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखती हैं। और क्योंकि वो विदेश से आई होती हैं, काफ़ी अमीर घराने की होती हैं, तो मुन्ना तिवारी को तो अमीर बनना ही था, तो वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर दोस्तों, इसी बीच जब मनीषा यादव के किरदार को ये मालूम चलता है कि उसका जो प्रेमी है, उसका जो बॉयफ्रेंड है मुन्ना तिवारी, वो किसी और से शादी कर रहा है, तो वो ये सदमा जो है वो झेल नहीं पाती है। और इसी बीच ये मालूम चलता है कि मनीषा यादव जो है उसे ब्रेन ट्यूमर है, और उसका इलाज अगर नहीं किया गया तो वो बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल जाएगी। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में जो पुराने उधार लिए होते हैं मुन्ना तिवारी ने लोगों से, वो भी उन्हें जकड़ लेते हैं। तो किस तरीके से अब मुन्ना तिवारी, जिनका किरदार निभाया प्रवेश लाल यादव ने, वो ना सिर्फ मनीषा यादव के किरदार को बचाएगा, बल्कि जितने भी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं जो कि उनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं, उनसे भी किस तरीके से वो डील करेगा, ये आपको इस भोजपुरी फिल्म में बड़े ही इंटरटेनमेंट और कहें कि मज़ेदार अंदाज में देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, यही था हमारा रिव्यू इस भोजपुरी फिल्म को लेकर। फिल्म की कहानी दोस्तों एवरेज ही है, क्योंकि इस तरीके की कहानियां हमने पहले भी देख चुकी है। अब देखना ये होगा कि प्रवेश लाल यादव की एक्टिंग स्किल्स जो है वो इस भोजपुरी फिल्म में कितनी निकल कर सामने आती है, क्योंकि अगर इस भोजपुरी फिल्म को कोई कुछ बचा सकता है तो वो है प्रवेश लाल यादव की कॉमेडी। बहरहाल दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये रिव्यू कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस भोजपुरी फिल्म के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, 40 से 50 लाइक्स हो गए इस वीडियो पर, और देखते रहें भोजपुरी नाउ।